गुड टाइम्स दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IMC के स्टोर के बारे में, IMC के आउटलेट के बारे में। आउटलेट लेने के लिए दो बातें सबसे पहले दिमाग में आती है। पहला कि इसकी प्रोसेस क्या होती है जब हम ये आउटलेट लेते हैं, दूसरा इसके लिए कितनी लागत लगानी पड़ती है। तो पहले अगर हम लागत के लिए बात करें तो इसके लिए कुल 115,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 115,000 में से आपको 10,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी देनी होती है, जो कि आपको कभी भी वापस मिल जाएगी। यानी कि आप कभी भी स्टोर बंद करेंगे तो वो 10,000 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। 5,000 रुपये के कुछ टूल्स दिए जाते हैं, जैसे कि टी शर्ट्स, बटन्स, साड़ी, सूट, इस तरह की बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है। आप उनको सेल भी कर सकते हैं, आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी काम ले सकते हैं। और 1,00,000 के बदले में आपको 1,40,000 का सामान दिया जाता है, जो कि आप अपने सेल करने के लिए यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि आउटलेट लेने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, आउटलेट लेने के लिए आपको एक मेल कंपनी को भेजना पड़ता है, और वो मेल कैसे भेजेंगे आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले आप किसी भी जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी मेल आईडी या फिर आईडी से आप उनको मेल करेंगे। मेल करने के लिए आप कंपोज बॉक्स में जाइए। कंपोज में जाने के बाद यहाँ पे आप आईडी लिखिए, इस आईडी पे आप कंपनी को मेल करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे sales@imcbusiness.com। जब हम ये लिखेंगे और इसके बाद हम आगे चलेंगे, दूसरा जो नंबर आता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे 4 ओपन आउटलेट, ये लिखेंगे। और कंपोज में आपको मेल लिखना है, जो कि आपको बताना है कि आपको क्या क्या करना है। मेल में आपको ये सारी चीज़ें बताना है आपको, जैसे कि आप सबसे पहले उनको रेस्पेक्ट दीजिए, जैसे मैडम, सर या देयर वेयर करके जैसे भी आपको लिखना है। उसके बाद आप जो आउटलेट लेंगे उसका एक नाम रखना पड़ेगा आपको, वो नाम से ही वो इस आपका आउटलेट इश्यू करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थी आयुर्वेद हब करके, तो आप भी अपना आउटलेट का कोई भी नाम लिख के इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आउटलेट आपको किस जगह पे चाहिए उस जगह का भी आप यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए पूरा। इसके बाद जिस इंसान के नाम पर ये आउटलेट दिया जा रहा है, यानी कि उस आउटलेट का मालिक कौन होगा, उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके बाद एड्रेस में वो आएगा जहाँ पे आप रहते हैं, तो उस एड्रेस को भी यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके बाद आपका जो पैन है, पैन कार्ड, वो पैन कार्ड का जो नंबर होता है उस पैन कार्ड के नंबर को भी यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप वो दीजिए जो आप अक्सर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको मोबाइल नंबर भी आप शो कर दीजिए। इसके बाद जो 10,000 रुपये की आपने सिक्योरिटी दी है, वो आपने कब दी है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन जो भी आपने डेट में दी है, और किस बैंक में आपने वो सिक्योरिटी जमा कराई है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करें। जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन 23 नवंबर 2017, तो इन्होंने 17 को डिपॉजिट कराई होगी, तो इन्होंने अपनी यहाँ पे मेंशन करी है। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपकी जो पासबुक है, पासबुक की एक फ़ोटो खींच के आप उसको इसके साथ अटैच करेंगे, वो भी यहाँ पे शो करेंगे कि आपने पासबुक की जो फ़ोटो यहाँ पे एंट्री हुई थी कि आपने ये डिपॉजिट करा है, उसका भी एक फ़ोटो लेके यहाँ पे अटैच करना है। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन भी करना है, लिखना भी है कि आपने ये वहाँ पे अटैच भी कराई है। इसके बाद स्पॉन्सर नेम में जिसने भी आपको ये प्रोवाइड करने के लिए बोला है कि आप ये इसका जो आईडी आउटलेट ले लीजिए, उसका स्पॉन्सर नेम यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे लास्ट में आएगा IMC ID, जो भी आपकी IMC ID है वो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए। बस इतना सा करना है और इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। और वैसे आपको कुछ और भी लिखना है अपनी तरफ से, तो आप और भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे इतना ही है। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, जो भी आपकी आईडी है वो, पासबुक का अटैच कर देना, और जो भी चीज़ आप पे है वो सारी चीज़ यहाँ पे अटैच कर देना। अटैच करने के लिए ये आपको क्या करना है, ये कंपोज के बराबर में जो एक जलेबी जैसा है लोगो, आप इसको क्लिक करेंगे, अटैच फाइल करेंगे। अपनी गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से आपको यहाँ से जैसे कि ये है, ये हम यहाँ पे आधार कार्ड जो कि फ़ोटो वेरिफिकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन करेगा, यहाँ पे इस तरह से हम डाल देंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक ही करके दिखाया है, आपको एक एक करके सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। यहाँ तक है कि ये कुछ ही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो आपने 10,000 रुपीज़ जो डिपॉजिट करें उसका ही फ़ोटो, कि ये प्रूफ करें कि हाँ आपने ऐसे ये डिपॉजिट किया है वो, और जो भी आपके पास एक दो और डॉक्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ पे अटैच करके सेंड कर दीजिए। इसके बाद जब भी आप सेंड करेंगे, जैसे कंपोज के आगे जो सेंड बटन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज है, मेल है, वो कंपनी में चला जाएगा। और कंपनी में को जैसे ही आपका मेल मिलेगा, इसके 2 से 3 दिन बाद आपको आपके पास कॉल आएगी, वेरिफिकेशन करेंगे वो लोग कि ये बंदा ठीक है या नहीं है, और वो आगे की प्रोसेस आपको बता देंगे। तो इस तरह से करीब 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपकी आउटलेट खुल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं कुछ और प्रोसेस के बारे में, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी यदि आउटलेट लेने का सोच रहे हैं तो वो भी अपना आउटलेट इस प्रोसेस से ले सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।